सपूत पाठ की पढ़ाई करते हैं, पाठ का परिचय देखते हैं। सपूत शब्द का अर्थ है योग्य पुत्र, सरल, शिष्ट और सेवा की भावना वाला पुत्र ही अच्छा पुत्र होता है। इस कहानी में एक ऐसे ही पुत्र के बारे में बताया गया है। बहुत पुरानी बात है, फुलेरा नामक एक आदर्श गांव था। नामक यानी नाम वाला, फुलेरा नाम का एक आदर्श गांव था। गांव में हर तरफ स्वच्छता थी, स्वच्छता यानी सफाई। गांव की गलियों में नियमित रूप से झाड़ू लगाई जाती थी, नालियां रोज साफ की जाती थी, लिपाई पुताई करके घर आंगन सुंदर रखा जाता था। लिपाई यानि गोबर से जमीन को लीपने का काम, पुताई यानि दीवारों को चूने से पोतना। परिसर में बड़ी संख्या में पेड़ पौधे थे। कुएं का पानी निर्मल रखने के लिए आवश्यक सावधानियां बरती जाती थी। निर्मल यानि साफ। पनघट स्वच्छ और सुसज्जित था। पनघट यानि कुएं के आसपास का स्थान। एक दिन पनघट पर तीन स्त्रियां पानी भर रही थी। वे अपने अपने लाडले के गुणों का बखान कर रही थी। लाडला यानि बेटा, पुत्र। बखान करना यानि प्रशंसा करना। वह सब बातें कर रही थी और उन बातों में अपने पुत्रों के गुणगान गा रही थी। एक बोली, बहन मेरा सपूत बड़ा विद्वान है। सपूत यानि योग्य पुत्र। जब से शहर से पढ़कर आया है चारों ओर उसकी धूम मची है। बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लेता है, आकाश के तारों को देखकर उनके नाम बता देता है। देश विदेश की सभी बातों का उसे पता है। दूसरी ने जोश में झट से आगे बढ़कर कहा, अरे सखी मेरे लाल जैसा बलि तो 10-5 गांव में देखने को भी नहीं मिलेगा। बलि यानि बलवान। 500 दंड बैठक वह रोज सुबह लगाता है। दंड बैठक व्यायाम का एक प्रकार। अखाड़े में जब ताल ठोंककर उतर पड़ता है तो बड़े बड़े पहलवान तक उसका मुकाबला करने से घबराते हैं। वह मेरा सपूत है। मुकाबला करना यानि सामना करना। ताल ठोकना यानि कुश्ती के लिए ललकारना। अब तीसरी स्त्री की बारी थी, वह चुप रही। इस पर उन दोनों ने कहा, बहन तुम चुप क्यों हो? लगता है तुम्हारा लड़का कपूत निकला। कपूत यानि बुरा पुत्र। तीसरी स्त्री बिना किसी जोश या गर्व से बोली, बहनों सपूत या कपूत जैसे शब्द तो मैं नहीं समझती, पर मेरा लाल मेरे लिए बहुत ही अच्छा है। वह सीधे सादे स्वभाव का साधारण किसान है। दिन भर खेत में जुता रहता है, शाम को घर का काम करता है। आज बहुत कहने सुनने पर वह मेला देखने गया है, इसीलिए मुझे पानी भरने आना पड़ा। तीन स्त्रियां अपने अपने सिर पर घड़ा रखकर चल पड़ी। अभी वे 2-4 कदम ही चली थी कि पहली स्त्री का पुत्र आता हुआ दिखाई पड़ा। पास आते ही उसने माँ से कहा, व्याख्यान देने जा रहा हूँ, भोजन वही करूँगा। व्याख्यान यानि भाषण। यह कहकर वह तेजी से चला गया। तभी दूसरी स्त्री का पहलवान पुत्र भी आता हुआ दिखा। वह मतवाले हाथी की तरह झूम रहा था। उसने माँ से कहा, माँ आज दंगल में मैंने एक नामी पहलवान को बुरी तरह पछाड़ा। नामी यानि प्रसिद्ध। दंगल यानि कुश्ती। पछाड़ना यानि हराना। पानी लेकर जल्दी घर पहुंचना, मुझे जोरों की भूख लगी है। यह कहकर वह घर की ओर बढ़ गया। अंत में तीसरी का पुत्र भी आ गया। वह बड़ा ही सीधा साधा था। आते ही उसने माँ के सिर से घड़ा उतार कर अपने सिर पर रख लिया और बोला, माँ तुम क्यों पानी भरने चली गई? मैं तो आ ही रहा था। माँ से घड़ा लेकर वह उत्साह के साथ घर की ओर चल पड़ा। यह देखकर अन्य दोनों स्त्रियों का सिर संकोच से झुक गया। संकोच यानि शर्म, हिचकिचाहट। उन्हें बोध हो गया था कि कर्तव्य और सेवा के बिना
ज्ञान एवं बल अधूरे हैं। वे समझ गई कि सपूत तो तीसरी स्त्री का बेटा ही है।